स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 के बीच के 5 मुख्य अंतर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजन क्षमता। पल्सर 125 में 124.4 सीसी का इंजन है जो 11.8 bhp की शक्ति देता है। ये शहर में आने जाने और नए राइडर्स के लिए एकदम सही है। वहीं पल्सर 150 में 149.5 सीसी का इंजन है जो 13.8 bhp की शक्ति देता है। यह उन राइडर्स के लिए है जो अधिक परफॉर्मेंस और पावर चाहते हैं। दूसरा, ईंधन दक्षता। पल्सर 125 अपनी बेहतरीन ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाती है जो लगभग 5760 kmpl देती है, जिससे यह आपके बजट के अनुकूल है। वहीं पल्सर 150 अपने बड़े इंजन के साथ लगभग 4550 kmpl देती है। ये भी अच्छी है लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस पर केंद्रित है। तीसरा, डिजाइन और स्टाइलिंग। दोनों बाइक्स में आइकॉनिक पल्सर डिजाइन है लेकिन पल्सर 150 का लुक ज्यादा मस्कुलर है चौड़े टायर्स और बड़े फ्रेम के साथ, जो इसे स्पोर्टियर प्रेजेंस देता है। चौथा, इंस्ट्रूमेंटेशन और फीचर्स। पल्सर 125 में एक बेसिक एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जबकि पल्सर 150 में एक एडवांस डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें ट्रिप मीटर और बेहतर इल्यूमिनेशन जैसे अतिरिक्त फीचर्स हैं। अंत में ब्रेकिंग सिस्टम। पल्सर 125 में संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम CBS है जबकि पल्सर 150 में सिंगल चैनल ABS है जो बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, ये थे बजाज पल्सर 125 और पल्सर 150 के बीच के 5 मुख्य अंतर। कौन सी बाइक आपके स्टाइल के अनुकूल है हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले बाइक की और तुलना और रिव्यू के लिए। सुरक्षित रहें और अगली बार मिलते हैं।